गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम पढ़ेंगे ग्लॉसरी। क्या पढ़ेंगे? ग्लॉसरी। ग्लॉसरी क्या होता है? मुश्किल वर्ड। क्या होता है? मुश्किल वर्ड। हमने कल कितने वर्ड्स पढ़े थे? पांच। ठीक है, आज भी हम पांचवे वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है सर। हमारा सबसे पहला वर्ड क्या है? फोर। क्या है? फोर। एफ ओ ई। क्या होता है? फोर। फोर क्या होता है? एनमी। एनमी क्या होता है? दुश्मन। क्या होता है एनमी? दूसरा वर्ड है फ्रे। एफ आर ए वाई। एफ क्या होता है? फर है ना। किसके बाद होता है? फर। आर ए वाई रे। क्या होता है? फ्रे। फ्रे क्या होता है? अटैक करना। अटैक करना क्या होता है? किसी पे हमला करना। किसी पे हमला करना। हमला करना पता है ना आपको? यस सर। क्या होता है? फ्रे। फ्रे क्या होता है? हमला करना, मतलब अटैक करना। ठीक है, हमारा तीसरा वर्ड है एफ आर ई फोर। एम ए एन मैन। फोर मैन क्या होता है? जो सबसे आगे खड़ा होता है, जो सबसे आगे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर मैन। द फर्स्ट जा चीफ सोल्जर इन द आर्मी। जा आर्मी में कोई सबसे आगे हो, कोई बड़ा हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर मैन। एफ ओ आर ई फोर एम एन मैन। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे पी ए एन पैन। टी पैन। पैन क्या होता है? टू ब्रीथ हैवली, जोर जोर से सांस लेना। हैवली ठीक है, क्या करना? गहरी सांस लेना। क्या करना? गहरी सांस लेना। अब देखिए ए जी अर्थ लो। ठीक है, आग लो, जैसे आग होती है ना, लेकिन वो सच में आग आग वाली आग नहीं है। जैसे वर्ड है इंग्लिश में आग लो, इसका मीनिंग क्या होता है? शाइनिंग, कुछ भी चमकना। जैसे अगर घास पे ओस पड़ी हो, ठीक है, शबनम क्या बोलते हैं? थोड़ी थोड़ी सुबह सुबह जो भी पड़ती है ना घास पे, जो भी पानी से होता है, उसको उर्दू में बोलते हैं शबनम। ड्यू इंग्लिश में बोलते हैं। जब वो बड़ी होती है और फिर जब सूरज राइज करता है तो क्या चमकता है ना घास? Yes, वैसे जैसे आग लो क्या होता है? शाइन करना, कुछ भी चमकना। ठीक है, शाइन करना क्या होता है? चमकना। ठीक है, फिर क्या लास्ट वर्ड? लिम्पर्ड। लिम्पर्ड क्या होता है? ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर। क्लियर और ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ये अगर कोई चीज ट्रांसपेरेंट है ना, हम एक साइड से दूसरी साइड को देख सकते हैं। जैसे पानी है, पानी की हम इस साइड से दूसरी साइड भी देख सकते हैं। देख सकते हैं ना? Yes, sir. पानी क्या है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट चीज जो भी होती है उसे हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। वो क्या होती है? बिल्कुल क्लियर होती है। क्या होती है वो? क्लियर होती है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। हमने क्या पढ़ा? ग्लॉसरी पढ़ा। ग्लॉसरी में हमने छह वर्ड पढ़े। छह में सबसे पहले एफ ओ फोर पढ़ा। एफ ओ ई फोर। फोर क्या होता है? दुश्मन। दुश्मन को हम क्या बोलते हैं? ई एन एन ई एम बाई एन मी। क्या बोलते हैं? एनमी। फिर पढ़ा हमने फ्रे। क्या पढ़ा हमने? फ्रे। फ्रे क्या होता है? अटैक। अटैक, अटैक। किसी पे हमला करना। ठीक है, पता है ना? यस सर। अब क्या है? फोर मैन। फोर मैन क्या होता है? कि सबसे पहले खड़े होने वाला, आज सबसे आगे खड़े होने वाला बंदा, उसको क्या बोलते हैं? द फर्स्ट आर द चीफ सोल्जर इन द आर्मी, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर मैन। क्या बोलते हैं? फोर मैन। क्या बोलते हैं? फोर मैन। पैंट। पैंट क्या है? पैंट क्या होता है? ये वाली पैंट नहीं है, ये क्या है? टू ब्रीथ हैवली, गहरी सांस लेना। करते हैं ना, लेते हैं ना गहरी सांस, जो वो करते वक्त या कुछ करते वक्त गहरी सांस लेते हैं, उसको हम बोलते हैं पैंट। अब आगे क्या है? आगे है शाइनिंग। शाइनिंग क्या होता है? चमकना। क्या होता है? चमकना। ठीक है, उसके बाद क्या है? लिम्पर्ड। L-I-M, limpid, limpid, limpid क्या होता है? Transparent and clear, जो चीज बिल्कुल साफ हो एक साइड से हम दूसरी साइड देख ले उसकी। जैसे पानी है ना, बिल्कुल क्लियर है ना, ट्रांसपेरेंट। yes, अगर कोई पानी का ग्लास है ना, yes, तो आप की साइड से दूसरी साइड देख सकते हो ना उसके। yes, sir. तो जाते ना? Yes, sir. तो आगे आपको समझ? Yes, sir. कुछ पूछना है इसमें से? No, sir. चलो ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। थैंक यू।